ब्रजभूषण जी और पंडित जी हैरान थे कि जब हमारे पास गीता जैसा नॉलेज का सोर्स है जो हमें लाइफ की हर सिचुएशन में गाइड कर सकता है, तब हम हर जेनरेशन के साथ इससे दूर क्यों होते जा रहे हैं। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि फॉरेनर्स के बीच गीता को जानने और समझने की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। वो लोग अपनी नौकरियों से ब्रेक लेकर यहां आते हैं और गीता ज्ञान को समझते हैं। लाइफ में कितना अप्लाई कर पाते हैं ये तो वही जाने, लेकिन कम से कम इसके लिए एफर्ट तो करते हैं। इधर हम लोग अपनी ही जड़ों, अपनी रूट्स को भूलते जा रहे हैं। ये सोचकर पंडित जी गहरी सांस लेकर ब्लॉग लिखना शुरू करते हैं, मन ही मन सोचते हुए कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, उसे तो मैं पूरा करूंगा ही। लोगों को गीता ज्ञान के पास लेकर आने का जो एम लेकर चल रहा हूं, उसे तो पूरा करना ही है। आज जब पंडित जी ने अपना इनबॉक्स देखा तो एक साथ एक ही आईडी से 3 मेल्स आए थे। तीनों मेल्स में एक ही मैटर था। शायद भेजने वाले ने सोचा होगा कि इस तरह पंडित जी का ध्यान उसकी मेल्स की तरफ खींचेगा। पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मन ही मन बोले, भाई मुझे कौन सा दिन में 1000 मेल्स आती हैं जो कोई छूट जाएगी। मेल में जो लिखा था वो कुछ इस तरह से था, प्रिय पंडित जी, ये मेल आईडी मेरे असली नाम से नहीं बनी है, ना ही मैंने कहीं अपने नाम का जिक्र इस मेल में किया है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी है। मैं एक ऐसी पोस्ट पर हूं जहां ये करना जरूरी हो जाता है। उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे। कुछ वक्त से आपके गीता ज्ञान ब्लॉग को पढ़ रही हूं। आप रोज एक श्लोक का मतलब बताते हैं, फिर रियल लाइफ सिचुएशंस में उस श्लोक से हमें कैसे मदद मिल सकती है ये बताते हैं। ये सब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। साथ ही जिंदगी जीने का नया नजरिया, प्रॉब्लम्स को देखने का नया सलीका भी मिलता है। आज अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम का कहीं सोल्यूशन ना पाकर मैं आपको ये मेल कर रही हूं, इस उम्मीद में कि आप ही मुझे गीता ज्ञान के जरिए कोई ऐसा रास्ता दिखाएंगे जो सही हो। नाम तो बता नहीं सकती, लेकिन बाकी सारी बातें डिटेल में बता रही हूं ताकि आपको मेरी प्रॉब्लम का सही से अंदाजा लग सके। मैं एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हूं, मेरे हस्बैंड भी ऐसी ही पोस्ट पर हैं, और जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूं वो मेरे हस्बैंड से ही जुड़ी हुई है। प्रॉब्लम शेयर करने से पहले मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी सुनाती हूं ताकि आपको मेरी सिचुएशन समझने में मदद मिले। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। मेरे फादर एक टीचर थे, मदर हाउसवाइफ, दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने मां बाप की इकलौती औलाद हूं। मेरे फादर बहुत उसूलों वाले इंसान थे। उन्हें नमक रोटी में गुजारा करना पसंद था, लेकिन गलत तरीके से पैसे कमाना नहीं। यहां तक कि बच्चों को घर पे ट्यूशन पढ़ाना भी उन्हें गलत लगता था। उनका कहना था कि अगर टीचर क्लास में सही से पढ़ाए तो बच्चों को अलग से पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी मां भी बहुत सिंपल सी लेडी थी, ज्यादातर टाइम घर के काम और पूजा पाठ में लगी रहती। मेरे पिता का सपना था कि मैं एक आईएएस अफसर बनूं, और यही नहीं, मैं एक ऑनेस्ट आईएएस अफसर बनूं ताकि लोग कहें कि मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पाला है। बहुत कम इनकम और रिसोर्सेस के बावजूद मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन दी। मैं भी बहुत मन लगाकर पढ़ती रही। मेरे फादर का ड्रीम अब मेरा ड्रीम बन गया था। हम 3 लोगों की फैमिली बहुत खुशी खुशी अपना टाइम बिता रही थी। दिन रात की मेहनत और मेरे पापा की गाइडेंस की वजह से मैं अपनी स्टडीज में बहुत अच्छा कर रही थी। मेरी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए मेरी मां ने अपनी कुछ ज्वेलरी भी बेच दी थी। इस बात से मैं और भी डिटरमिंड हो गई कि मुझे हर हाल में ये एग्जाम क्लियर करना है। पेरेंट्स की ब्लेसिंग और मेरी मेहनत रंग लाई और मैं आईएएस अफसर बन गई। इस बात से मेरे पिता जैसे 7वें आसमान पर थे और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ट्रेनिंग के लिए निकलने से पहले पापा ने बार बार मुझे याद दिलाया कि मुझे अपना काम बहुत ईमानदारी से करना है। मैं भी उन्हें बार बार यकीन दिला रही थी कि मैं कभी भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। ट्रेनिंग पूरी हुई और मुझे दूर दराज के इलाके में पोस्टिंग मिल गई। ट्रेनिंग के दौरान मेरी दोस्ती एक ऑफिसर से हुई। सर्विस के दौरान ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हम दोनों में बहुत सारी बातें अलग थी। वो बहुत रिच फैमिली से था, उसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हमारी वैल्यूज में भी बहुत फर्क था, लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क आपको सब कुछ भुला देता है। मेरे साथ भी यही हुआ। जब हमने शादी का प्लान किया तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। मेरे फादर को वैसे तो कोई एतराज नहीं था, बस उनका ये कहना था कि हम जिस माहौल में,
जिन वैल्यूज के साथ बड़े होते हैं उनका असर हमारी लाइफ के हर हिस्से में पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों के डिफरेंसेस तुम्हारी शादी को भी अफेक्ट करें। मैंने अपने पिताजी को कन्विंस किया कि ऐसा नहीं होगा, हम दोनों बहुत समझदार हैं, इसे मैनेज कर लेंगे। तो मेरे फादर मान गए और हमारी शादी हो गई। कुछ टाइम तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन वक्त बीतने के साथ मुझे कुछ चीजें रियलाइज होनी शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड को एथिक्स से कुछ लेना देना नहीं था, अपनी पोस्ट और पावर का वो पूरा फायदा उठा रहे थे। रिश्वत लेना उनकी नजरों में कोई क्राइम नहीं था, बल्कि रिश्वत लेना तो उनका हक था। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने मुझे दकियानुसी सोच की बता दिया, और मेरे पिताजी को भी। इस बात से मैं बहुत हर्ट हुई और मैंने इस बारे में अपने ससुर यानी फादर इन लॉ से बात की। उन्हें सब बताया कि उनका बेटा किस तरह गलत रास्ते से पैसे कमा रहा है और कल को ये बात कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। मेरे ससुर ने भी मुझे इस बात पर बहुत सुनाया कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। अब मैं बहुत हताश हो चुकी थी। इधर मेरे हस्बैंड के करप्शन के किस्से ऑफिसर्स के बीच फैलने लगे थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब सिचुएशन ये है कि हमारे बीच आए दिन इस बात पर लड़ाई होती है। वो अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं है और मैं अपने पिता की सिखाई हुई वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, क्योंकि अब ये मेरी भी वैल्यूज है। आप ही मुझे बताइए कि अब क्या करना चाहिए। इस कहानी को पढ़कर पंडित जी को बहुत दुख हुआ। किस तरह से लोग जीवन की सिचुएशंस में फंस जाते हैं, खुद सही होते हुए भी टेंशन में जीते हैं, और इन सिचुएशन से बाहर निकलने में जिंदगी वो नहीं रहती जो पहले थी। अब किसी ने प्रॉब्लम भेजी है इस उम्मीद में कि सॉल्यूशन मिलेगा, तो अपनी समझ के हिसाब से सॉल्यूशन तो बताना ही होगा। इसीलिए पंडित जी ने यह जवाब लिखा। आपकी सिचुएशन में समझ रहा हूं, सही होते हुए भी आप सफर कर रही हैं, इस बात का मुझे अफसोस है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स का काम है पढ़ाई करना, सोल्जर्स का काम है देश की रक्षा करना। जो लोग अपना काम ठीक से नहीं करते, उनसे अच्छे वो लोग होते हैं जो अपने धर्म के अनुसार काम करते हैं, क्योंकि बिना काम किए तो शरीर का पालन पोषण करना भी संभव नहीं है। जिस व्यक्ति की जो भी ड्यूटी तय है उसे वो पूरी करनी ही चाहिए। आप जानती हैं कि आपका काम क्या है। आपका काम है जो आपके अकॉर्डिंग सही है उस रास्ते पर चलना, जो गलत है उसे रोकना, समझाना और सही रास्ते पर लाने की कोशिश करना। अगर इसमें आपको अपनों की नाराजगी झेलनी पड़े तब भी अपने रास्ते से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सही और गलत इंसान देखकर डिसाइड नहीं होता। इसीलिए अपना काम कीजिए। हो सकता है इसका रिजल्ट अच्छा ना हो, लेकिन आपको इस बात का सेटिस्फैक्शन हमेशा रहेगा कि आपने काम ठीक से किया। अगर बहुत कोशिश के बाद भी कोई सुधरना ना चाहे तो फिर उसे उसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ने में ही समझदारी है। भगवान श्री कृष्ण आपको सही राह पर चलने की शक्ति दें। ये लिखकर पंडित जी ने मेल सेंड कर दी।